के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दूसरा दिन। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे होगा कार्य समिति की बैठक का औपचारिक शुभारंभ। बैठक में संगठन स्तर के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव को लेकर मंथन होगा। स्वर्गीय वित्त मंत्री प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। और इस खबर पर हमारे साथ सोनू सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सोनू सिंह, आज बैठक का दूसरा दिन है, बैठक में सदस्यता अभियान पर मुख्य रूप से चर्चा होगी, क्या कुछ अपडेट है? हाँ, बिल्कुल सही अनन्या, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये ठीक है कि आज जो कार्य समिति की बीजेपी की बैठक हो रही है, इस बैठक में मुख्य रूप से पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, संगठन की पैठ को और कैसे बढ़ाया जाए, जिन क्षेत्रों में पार्टी कमजोर है, पार्टी का जनाधार कमजोर है, उन क्षेत्रों में किस तरीके से और स्ट्रांग किया जाए, इन पहलुओं को लेकर के आज मंथन किया जाएगा। और जो जिला और मंडल स्तर के संयोजक हैं उनको आज जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा तमाम ऐसे पहलू हैं जो आने वाले समय में पार्टी संगठन के स्तर से आयोजित किए जाने हैं, उनका प्रारूप तैयार किया जाएगा। और इसके साथ ही जो दूसरा पहलू है वो ये है कि संगठन को मजबूत करने के साथ, जनाधार मजबूत करने के साथ, आने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसमें किस तरह से लोकसभा की तर्ज पर पार्टी अपनी जीत का परचम लहराए, क्योंकि शहर से लेकर गाँव तक के चुनाव होते हैं, इसमें जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, क्षेत्रीय पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, इन पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी एक मंच पर अब से कुछ देर बाद मंथन शुरू कर देंगे और उसके बाद शाम करीब 3:30 बजे के लगभग प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे और किन किन पहलुओं पर मुख्य रूप से फोकस रहा इसको बयान करेंगे। बिल्कुल सोनू, इस जिस तरह से देखा जाए बैठक पर लगातार सभी की नजर है और ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बैठक कितने बजे से शुरू होगी? देखिए, ठीक 11 बजे औपचारिक शुरुआत बैठक की कर दी जाएगी और उसके बाद फिर मंथन शुरू होगा। अलग अलग पहलू जो संगठन के जुड़े हुए हैं उन पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 6 जुलाई से बीजेपी का 31 अगस्त तक जो है सदस्यता अभियान चलने वाला है। मुख्य रूप से सदस्यता अभियान को किस तरह से तेज रफ्तार दी जाए ये फोकस रहेगा और इससे जुड़े हुए संगठन के जो पहलू हैं जो ठीक है। सोनू आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर में आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम खबर दिखाएंगे। और एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। विधानसभा सत्र को लेकर सभी पार्टियों की अहम बैठक। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। सदन के सदस्यों से सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की अपील की जाएगी। बड़ी खबर, विधानसभा सदन के सदस्यों से सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चलाने को की लेकर अपील की जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनू। विधानसभा सत्र को लेकर सभी पार्टियों की अहम बैठक, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए अनन्या, आज 2 अहम बैठक विधानसभा में होनी है और इनकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। जो पहली बैठक है वो दलीय नेताओं की बैठक होगी, जिसमें पक्ष विपक्ष के जो नेता हैं वो सदन में मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए, इसकी अपील अध्यक्ष जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उत्तराखंड विधानसभा के उनके द्वारा की जाएगी। और इसके बाद फिर एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक जो हैं वो सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। जो अध्यक्षता है वो मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष ही करेंगे। जो विधानसभा का ये 2 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, इसका कार्य का प्रारूप क्या होगा, किस तरह से जो कार्य है उनको अंजाम दिया जाएगा, कौन कौन से मुख्य कार्य एजेंडे में शामिल किए जाएंगे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसके बाद संभवतः उसी पर फिर सत्र आहूत किया जाएगा। चलिए सोनू सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।